तो फ्रेंड्स देखंतु आपण माने जो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं एलएसआई एग्जाम दवा पई जिबे तो एग्जाम पूर्व आपण माने को किछि इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानिया पई पड़िबो। आपण माने जदि एही इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानिबे नाही ताले आपण माने केबे भी एग्जाम दे पारिबे नाही। साथी पई आपण माने ए वीडियो को स्किप न करी सस्टेन देखिया पई चेष्टा करिवे। तो देखंतु आपण मानकर एडमिट कार्ड रो तळे एमिति किछि इंस्ट्रक्शन रहिछि तो लेखाइछि प्लीज रीड द फॉलोइंग इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देखंतु एथरे सब कोन कोन लेखाई छी आपण माने कोन कोन सब एग्जाम हॉल को नहीं कि जिबे कोन नहीं कि जिबे नहीं पूरा डिटेल्स रे लेखाई छी ठीक अछि। तो देखंतु एक नंबर रे लेखाई छी द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज ऑर हर एडमिशन लेटर व्हाइल एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल और रूम ओनली एट द सेंटर स्पेसिफाइड इन द एडमिशन लेटर। तो देखंतु आपण मानकु एग्जाम दवा पई जीवापाई हेले एडमिट कार्ड नहीं कि जीवापाई पड़ो। तो यहाँ तो कॉमन कथा एडमिट कार्ड न ले कहीं भी एग्जाम हॉल को एंटर करेंगे ना से आपने एडमिट कार्ड नहीं कि जीवे ठीक अच्छे। तापर लिखाई कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बिफोर वन आवर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। तो आपण मान एग्जाम जिते बेल भी अच्छी तो तार गोटे घंटा पूर्व आपण मानक एग्जाम सेन्टर में पहुँचापी पड़ो। तापर लिखाई द कैंडिडेट शैल नॉट बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10 मिनिट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड इन द एडमिशन लेटर। तो देखंतु जो टाइम मेंशन है तार 10 मिनिट लेट रे जदि आपण माने पहुंचुचंती ताले समान आपण मानकु अलाउ करिवे नाही। तो देखंतु एटा ऑनलाइन एग्जाम होउची ऑनलाइन एग्जाम रे बायोमेट्रिक सिस्टम रहिची सेति पई लेट रे समान अलाउ करिवे नाही। आपण माने एग्जाम जो द पई जिबे तो सेठरे आपण मानकर फोटो उठा जीवो फिंगर प्रिंट नेबे तो ए सबू कार्यक्रम सेटा रही आपण मानक 10 मिनिट लेट हेले समान अलाउ करिवे नाही ओके। तापर दुई नंबर लिखाई डिस्क्रिपनिज ऑफ मिस्टेक इफ एनी इन द एडमिशन लेटर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमिशन इमीडिएटली विदाउट लॉस ऑफ टाइम। तो देखंतु आपण मानकर एडमिट कार्ड रे जदि किछि भी भूलभाल रही सेठारे जे भी हेड थिबे तो आपण तांको सहित कांटेक्ट करिवे ठीक अछि। तापर तीन नंबर लिखाई छि इन केस द एडमिशन लेटर डज नॉट बियर द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट और इट इज नॉट क्लियरली विजिबल ही और सी मस्ट ब्रिंग हिज और हर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ एंड हैंड ओवर टू द इनविजिलेटर फॉर एफिक्सिंग द सेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंट सीट। तो देखंतु तीन नंबर कौन लिखाई ना आपण मानक एडमिट कार्ड में जदि फोटो ठीक भाव में देखा जाऊ नथिबो तो आपण माने कौन करिवे ना आपण मानक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो गोटे नहीं जी सेल्फ अटेस्टेड माने से फोटो उपर सिग्नेचर करदे ठीक अच्छे। तो नहीं जी नहीं गला सेठारे जी भी इनविजिलेटर थे तो से आपण मानक एडमिट कार्ड में लगेदेवे ओके। तापर चारि नंबर लिखाई द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग विथ हर हर एन ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड सच एज भोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पान कार्ड पासपोर्ट एटसेट्रा इन एडिशन टू एडमिशन लेटर। तो देखंतु आपण माने जो एग्जाम देवाई जी निजर ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड नहीं जी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड कौन ना भोटर आई कार्ड हो पारे भोटर आईडी आधार कार्ड हो पारे ना ड्राइविंग लाइसेंस ना पान कार्ड ना पासपोर्ट। तो एतिक मधर आपण मानक जेकोसी गोटे ओरिजिनल नहीं जीवाई पड़ो ठीक अच्छे। तापर पांच नंबर लिखाई इन द इवेंट ऑफ द एडमिशन लेटर बीइंग मिसयूज्ड बाय अनदर द वन लाइज ऑन द कैंडिडेट टू प्रूफ दैट ही और सी इज नॉट गिल्टी इम्प्रेस। तो यहाँ किसी इंपोर्टेंट नहीं यहाँ छाड़ू। तापर छ नंबर देखते कौन लिखाई द कैंडिडेट मस्ट नॉट एंटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल और रूम विथ एनी करेक्टिंग फ्लुइड इरेजर ब्लेड बुक्स स्क्रिप्ट नोट्स और लूज पेपर कैलकुलेटर डॉक्यूमेंट स्लाइड रूल्स लॉग टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉच स्मार्ट वॉच मोबाइल सेलफोन पेपर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस। तो देखु जदि आपण मैंने एगुड़िक नहीं कि जीवे तेल आपण मानक एग्जाम हॉल रे एंटर करेंगे ना तो किसी भी ब्लेड बुक्स स्क्रिप्ट नोट घंटा एगुड़ा किसी भी नेबेनि ठीक अच्छे। जदि भी नहीं कि जाऊँच तेल निजर बैग नहीं जी तो बैग्रे पूरे सब से रखीदे ठीक अच्छे। हाउ एवर द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हिज और हर ऊन ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो देखु
आपण मानक निजर ब्लू किंबा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन नहीं जीवापाई पड़ो ब्लू नहले ब्लैक पेन नहीं जीवे ठीक अच्छे कहीं रब करेंगे से मैंने पेन देवेनि आपर पेन नहीं जीवापाई पड़ो ठीक अच्छे इन केस द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इन पोजिशन ऑफ एनी ऑफ द अबव ही और सी शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन विदाउट एनी इनक्वायरी एज टू व्हाट एवर द सेम वाज वी आर यूज्ड बाय द कैंडिडेट और नॉट जदि आपण मैंने इरेजर ब्लेड बुक स्क्रिप्ट पेपर एगुड़ा नहीं जाइए और धरा पड़े तेने को एग्जाम हॉल रु बाहर करदे ठीक अच्छे तापर सात नंबर कौन लिखाई देखु द कैंडिडेट मस्ट अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन द एडमिशन लेटर एंड एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन व्हिच मे बी कन्वेड एट द सेंटर तो यहाँ भी किसी इंपोर्टेंट नहीं आठ नंबर देखो कौन लिखाई द कैंडिडेट शैल नॉट टॉक टू एनदर तो आपण मैंने जो एग्जाम सेन्टर में बसवे मैंने पाखे जी भी बस थोड़ी तो कभी कथ कॉपी फ्रॉम एनी सोर्स और अटेम्प्ट एडॉप्ट अनफेयर मीन्स आपने कॉपी किसी नहीं जीवे ठीक अच्छे कॉपी करेन पजेस एनी रिटिन मटेरियल इन हिज और आर पर्सन क्लोथिंग अबाउट हिज और आर तो एगुड़ा किसी भी नेबेनि सेठार कथा कहेनि पूरा आराम से कूल माइंड रे परीक्षा देवे ठीक अच्छे ता भितर बसिक स्मोकिंग करेनि ठीक अच्छे तापर नौ नंबर लिखाई द कैंडिडेट शैल नॉट बी ऑर्डिनरी अलाउड टू लीव द हॉल और रूम टिल कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट तो देखु तो लिखाई कि टेस्ट कंप्लीट न होबा पूर्वरु से आपण मानक एग्जाम हॉल रु छाड़े ना ठीक अच्छे एग्जाम सरला परे आपण माने निज निज घर को फेरी पारे ओके तापरे दस नंबर कौन लिखाई इफ ही और सी फेल्स टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन ही और सी शैल बी लायबल टू बी डिस्क्वालिफाइड और डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन एज वेल एज फ्यूचर एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और मे बी इम्पोज्ड विथ एनी अदर पेनाल्टी एज पर रूल्स तो देखो आपण मैंने एग्जाम हॉल रे किसी भी मिस यूज करेंगे ना मिसबिहेवियर करेंगे ना ठीक अच्छे तो आपड़ किसी भी प्रोब्लेम करेंगे से एग्जाम हॉल रु बाहर करदे आक्स टाइम आपण मानक किसी भी एग्जाम देवाई देवे ना ठीक अच्छे तापर लिखाई द कैंडिडेट फॉर द टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल तो यहाँ भी किसी इंपोर्टेंट नहीं देखो आपण मैंने केमी एग्जाम देवे पूरा डिटेल्स यही लिखाई इनफॉर्मेशन ऑन द टेस्ट प्रोसेस तो केमी टेस्ट देवे केमी परीक्षा देवे ऑनलाइन टेस्ट पूरा डिटेल्स यही लिखाई देखो एक नंबर लिखाई द क्वेश्चन विल अपीयर इन इंग्लीश एंड ओडिया देखो क्वेश्चन टा बहुत इंग्लीश रे आसीबो आउ उड़िया रे मध्य आसीबो तो जो माने इंग्लीश रे डरुछंती किसी डरिया दरकार ना कहीं उड़िया रे मध्य आसीबो आपण माने आराम से करिपरिबे ठीक अछि तापर लिखाई एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय फोर आंसर ऑप्शंस माने प्रत्येक क्वेश्चन रे एमिति चारोटी ऑप्शन थिबो ठीक अछि ए बी सी डी तो जोंटा ठीक लागबो आपण मानको सेथिरे आपण माने खाली क्लिक करिवे एठी ऑफलाइन एग्जाम नुए जे आपण मानको चाटा गुलेई थिबो आपण मानको गुलेई मारिया पय पड़िबो टाइम जीवो सेमिति किछि नुए डायरेक्ट एमती सर्किल थी आपण मैंने खाली क्लिक करेंगे क्लिक कले से ऑटोमेटिक सर्किल हो ठीक अच्छे तापर कौन लिखाई चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट जोटा आपण मैं ठीक लगे आपरे क्लिक करेंगे इंडिकेट योर आंसर बाय क्लिकिंग ऑन द सर्किलर बटन एडजस्ट टू द ऑप्शन यू थिंक इज राइट तो आपण मैं जोटा कहली जो सर्किल थी आपण मैं जोटा ठीक लगे आपण मैंने खाली से क्लिक करार अच्छे ओके तो किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं आपण मैंने सेठा को गले सही आपण मानक सबू कहीदे ओके किसी डरवा दरकार नहीं देखते दुई नंबर कौन लिखाई यू कैन गो टू एनी क्वेश्चन डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर देखो धरज आपण मैंने एक नंबर पर चाहते दस नंबर को जीपाई तो डायरे एमती सब क्वेश्चन नंबर थी वन टू थ्री देढ़श पर्यंत तो आपण मैंने जो नंबर करने चाहूँ डायरेक्ट से क्लिक करेंगे से ही नंबर ये ओपन हम ठीक अच्छे तापर लिखाई व्हिच विल अपीयर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन ब्लू कलर अच्छा तले आसीबो ठीक अच्छे बॉटम ऑफ द स्क्रीन माने तले आसीबो एक नंबर दुई नंबर एमती तले आसीबो आपण माने सेठी डायरेक्टली क्वेश्चन चेंज करि पाइबे ओके द आंसर्ड क्वेश्चन नंबर विल बी मार्क्ड ग्रीन कलर आपण माने जोंटा आंसर करि देबे ठीक अच्छे तो सेटा ग्रीन कलर हो जीवो ओके तापर देखंतु तीन नंबर कोन लिखाई छि इफ यू आर डाउटफुल ऑफ आंसर फॉर ए क्वेश्चन यू कैन मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू विदाउट आंसरिंग एंड सच क्वेश्चन विल बी इंडिकेटेड विथ अंडर क्वेश्चन नंबर देखो जोटा आपण डाउट लगे आपण मैंने रिव्यू रिव्यू रे क्लिक करदे तो रिव्यू रे क्लिक करदे पर जमापड़ आपटा करना ओके दिस क्वेश्चन नंबर विल अपीयर इन रेड कलर तो सीटा रेड कलर होली कलर
टू अनमार्क दिस जदि आपनमार्क करने चाहूबे यू हैव टू क्लिक ऑन अनमार्क रिव्यू बटन तो गोटे अनमार्क रिव्यू बटन थी से क्लिक करदे पुणी से अनमार्क हो ठीक अच्छे तो किसी व्यस्त हो दरकार नहीं सब से आपे भी इनविजिलेटर थे सब स्टेप बाय स्टेप कहीदेवे ठीक अच्छे तो मुझे खाली एग्जाम पूर्व टी इंस्ट्रक्शन दे दूँ आपंत जाथ ठीक अच्छे इफ यू हैव आंसर्ड ए क्वेश्चन एंड वुड लाइक टू रिव्यू द आंसर एट ए लेटर स्टेज क्लिक ऑन द रिव्यू तो से कौन कहला जदि आपटे क्वेश्चन आंसर करपू करने रिव्यू रे क्लिक करके ओके सर्च क्वेश्चन नंबर विल बी इंडिकेटेड इन येलो कलर विथ ए टू अनमार्क दिस यू हैव टू क्लिक ऑन अनमार्क रिव्यू बटन तो अनमार्क रिव्यूटा येलो कलर हो हलदिया कलर तापर चार नंबर रही इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर टू द क्वेश्चन यू मे सिलेक्ट द क्वेश्चन एंड चेंज द आंसर बाय क्लिकिंग ऑन द एप्रोप्रिएट आंसर देखो धर जाऊ बार नंबर रे ए बी सी डी अच्छी ठीक अच्छे तो एमती सर्किल थी धर जाऊ आपण माने ए मार देछंती किंतु पर आपण माने जानले जे एटा हबनी बीटा हबो तो डायरेक्ट बी रे क्लिक करदे से ऑटोमेटिक बी को आसीजीव तापर तले सेवन रे नेक्स्ट थी से क्लिक करदे ऑटोमेटिक बीटा सेव हो ठीक अच्छे तापर देखो पांच नंबर कौन लिखाई इफ यू वांट टू अन आंसर एनी प्रीवियसली आंसर्ड क्वेश्चन यू मे सिलेक्ट दैट क्वेश्चन एंड रिक्लिक द आंसर ऑप्शन तो आपण जोटा कहली जोटा आगु मारी थे तो ताकू हटे आपने गोटे आंसर मारी पारे किसी प्रोब्लेम ना कि ऑफलाइन होते जदि गोटे गुले मारिदे सरीगला सहीटा ही हम नापर आने किसी भी क्लिक करें किसी भी गुले मारी पारे ठीक अच्छे तो ऑनलाइन रे यहाँ गोटे भल फायदा रही किसी व्यस्त हो दरकार ना ओके छ नंबर लिखाई टाइमर डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट द टाइम थ्रू आउट द टेस्ट टॉप ऑफ द स्क्रीन तो देखो स्क्रीन रो टॉप रे टाइमिंग चली थी ठीक अच्छे आते समय बाकी रही तो टाइमिंग चली थी किसी व्यस्त हो दरकार ना आपने टाइम देखिक आराम से क्वेश्चन करें ठीक अच्छे तापर सात नंबर लिखाई द टेस्ट क्लोजेस ऑटोमेटिकली वन्स द एलोटेड टाइम ऑफ 150 मार्क्स मिनिट्स इज ओवर तो देखो 150 मिनिट पर ऑटोमेटिक आपर टेस्ट क्लोज हो जो टेस्ट दौथे से बंद हो लॉक हो कंपेनसेटोरी टाइम ऑफ 50 मिनिट्स 20 मिनिट्स पर आवर सेल बी अलॉटेड टू द पीडब्ल्यू कैंडिडेट पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट मैं अधिक टाइम रही तो सेटा दरकार नहीं आठ नंबर देखो इन केस यू फिनिश योर टेस्ट बिफोर अलॉटेड टाइम यू विल गेट ए कन्फर्मेशन पेज व्हिच विल गिव यू टू ऑप्शंस आइदर गो टू बैक और द टेस्ट फॉर रिव्यू और कंप्लीट द टेस्ट तो देखो धर जाऊ 150 मिनिट पूर्व आपर सरीगला तो आपने चाहते सबमिट करें तो सबमिट करेंगे सबमिट ऑप्शन को जाकि सबमिट करें किसी प्रॉब्लम ना नंबर नौ नंबर लिखाई इन केस यू वांट टू रिव्यू द आंसर इन द रिमेनिंग टाइम यू कैन डू इट डू सो इल्स यू मे कंप्लीट द टेस्ट एंड सबमिट देखो धर जाऊ आपर 150 मिनिट जो टाइम रही पूर्व सरीगला तो आपने चाहिए चेक करेंगे कौनटा भूल अच्छे ठीक अच्छे ना आपने सबमिट करें ठीक अच्छे तापर दस नंबर लिखाई एनश्योर दैट यू क्लिक ऑन सबमिट एज ए साइन ऑफ कंप्लीशन प्लीज बी श्योर दैट बिफोर क्लिकिंग सबमिट ऑप्शन सबमिट बटन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट तो टेस्ट कंप्लीट करके आपने सबमिट्रे क्लिक करेंगे कहीं थे जदि आपने सबमिट करदे आउ टेस्ट को फेरी पारे ना ठीक अच्छे तो से भाभी चिंती सबमिट करेंगे एगार नंबर रही वन्स यू कंप्लीट द ऑनलाइन टेस्ट यू शुड बी एबल टू द सी द स्क्रीन इंडिकेटिंग कंप्लीशन ऑफ टेस्ट एंड थैंक यू नोट तो आपड़ी थे सबमिट करदे टेस्ट कंप्लीट हो जाए गोटे थैंक यू लेखा आसो ठीक अच्छे तो ये पूरा कंप्लीट इनफर्मेसन आपर एग्जाम तो मुझे जहाँ भी सब पॉइंट कहली आपस पॉइंट को ध्यान रखिकी एग्जाम देवाई जी ठीक अच्छे ट्राई करेंगे गोटे घंटा पूर्व एग्जाम सेन्टर में पहुँचापी ठीक अच्छे धर जो आपण घर हूँ बालेश्वर आपण एग्जाम पड़े भुवनेश्वर से ठीक अच्छे भुवनेश्वर से सका सतटा एग्जाम अच्छी तो सतटा एएम ठीक अच्छे तो आपने सका जब बाहर तेल जाइ पहुँची पारे ना तो आपने ट्राए करेंगे राति पल ना सांग कि रिलेटिव जी भी भुवनेश्वर थे पूर्व दिन जाने रहीपारे ठीक अच्छे कहीं दस मिनिट लेट करदे आपने एलाउ करेंगे ना तो आपर लाइफ कथा ठीक अच्छे जदि एग्जाम दे पारे ना तो आपर परिश्रम पूरा बेकार हो वृथा हो लाइफ पूरा स्पॉइल हो तो से आपने ट्राए करेंगे एग्जाम हॉल को आगर जीवाई ठीक अच्छे तो आपने पूरा कूल माइंड रे एग्जाम देवाई जी जहाँ भी पढ़ी आराम से एग्जाम करेंगे किसी भी टेनसन ने ठीक अच्छे तो
मुझ जगन्नाथ पाखे ये प्रार्थना करी कि समस्त एग्जाम भल हो समस्त सिलेक्शन पाई जातु ठीक अच्छे तो आपण मैंने भावंतु ना कि कटअप बहुत अधिक पलब एटा फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एग्जाम ए फिजिकाल रही कटअप बहुत कम जीव ठीक अच्छे जदि फिजिकाल पिला पारे तेल जो मैंने कम मार्क रखि से डक कहीं 2021 एमती होता तीन थर पिजिकाल डक जाइए ठीक अच्छे 180 रु जो मैंने 70-65 रखी थे से सिलेक्शन हो जाए तो किसी भी कम मार्क रही टेनसन ने ठीक अच्छे कहीं सिलेक्शन कह रही पाए तो से आराम से एग्जाम देवे ओके तो समस्त एग्जाम भल हो समस्त मो तरफ बेस्ट ऑफ लक।